हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी में। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती। सो प्लीज डेली न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की जॉब की। आज की जॉब के लिए दोस्तों अगर आप 12th पास हैं दोस्तों तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। यहां आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना है दोस्तों। यहां आपको 40,500 रुपए तक भी सैलरी देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको कोई इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ेगा। यार इस पोस्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात कर ले दोस्तों आज की जॉब आई कहां से है, तो आज की जॉब आई है दोस्तों CISF से। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों, तो एप्लीकेशन ऑलरेडी यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहें तो दोस्तों इससे जल्द ही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, यहां पर 31 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, तो वो भी 31 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम डेट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको ना तो कोई एग्जाम देना है दोस्तों और ना ही किसी प्रकार का आपको इंटरव्यू देने की जरूरत यहां पर पड़ेगी। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी डिटेल की, यहां पर दोस्तों एनी 12th पास कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर हेड कांस्टेबल। दोस्तों अगर आप 12th पास है दोस्तों तो यहां पर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी बात करें दोस्तों, यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाएगा। दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहां पर दोस्तों आपकी हाइट होनी चाहिए 167 मीटर की और चेस्ट होना चाहिए दोस्तों 81 से 86 सेंटीमीटर तक। दोस्तों उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, यहां पर 153 सेंटीमीटर तक उनका हाइट यहां पर मेजर किया जाएगा। दोस्तों इतना होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहां पर दोस्तों इसके साथ ही स्पोर्ट सर्टिफिकेट का भी होना कंपलसरी है दोस्तों, वो नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी हो सकता है। इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर भी आपको अपना सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को दोस्तों 100 रुपए तक फीस पे करनी पड़ सकती है। उसके बाद एसटी और एससी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, यहाँ फीमेल कैंडिडेट को भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों सैलरी की, यहाँ सैलरी की बात करें दोस्तों, यहाँ 25,500 रुपए तक सैलरी देखने को मिल सकती है दोस्तों, और अलाउंसेस मिला के बताएं दोस्तों यहाँ पर आपको 40,000 रुपए तक सैलरी देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, यहाँ पर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन पीएसटी एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर पीएसटी और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों, फिजिकल फिटनेस भी। सेकंड पॉइंट में दोस्तों नो एग्जाम इंटरव्यू दोस्तों विल बी टेकन फॉर एनी पोस्ट। दोस्तों यहां पर आपको किसी भी पोस्ट के लिए ना तो कोई एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों और ना ही किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू देनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट में दोस्तों इन द फाइनल स्टेज कैंडिडेट विल गो फॉर मेडिकल एग्जाम। दोस्तों यहां पर आपको फाइनल स्टेज में दोस्तों मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा और ये मेडिकल टेस्ट क्लियर करना दोस्तों कंपलसरी है। उसके बाद दोस्तों अधिक जानकारी के लिए प्लीज पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वहां दोस्तों आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हाउ टू अप्लाई की, यहां पर सबसे पहले स्टेप में होना चाहिए टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहला काम आपका रहेगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। स्टेप टू में एप्लीकेशन फीस पेएबल इन द फॉर्म पोस्टल ऑर्डर ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। दोस्तों यहां पर आपको एप्लीकेशन फीस दोस्तों पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पे करना है दोस्तों। उसके बाद स्टेप थ्री में अटैच ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों यहां पर आपको सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर देना है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपको अपना मार्कशीट अटैच करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अटैच करना है दोस्तों, और साथ ही साथ डिटेल अटैच कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में बात करें दोस्तों, यहां पर स्टेप फोर में सेंड इट टू द गिवन एड्रेस रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट। दोस्तों यहां पर आप पूरा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा, उसके एक लिफाफे में पैक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद वो लिफाफा रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों पोस्ट कर दीजिएगा, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पैरा नंबर दोस्तों 11 में आपको दोस्तों पूरा एड्रेस डिटेल देखने को मिल जाएगा जहां आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज देर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। डेली न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।